गुड मॉर्निंग इंडिया, बस 3 मिनट रहिए आप फास्ट 15 के साथ, आपको देगी ये पूरे दिन की जानकारी। कोलकाता में लोग जल्द ही ट्राम में बैठकर पुस्तकालय का आनंद ले सकेंगे। बंगाल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजनवीर सिंह कपूर ने कहा कि इस ट्राम पुस्तकालय में किताबें और पत्रिकाएं होंगी, जिनमें लोक सेवा, बंगाल लोक सेवा, जीआरई या जीएमएटी के लिए भी पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। इससे उस मार्ग के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पाठकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने एक किराने की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये घटना हुगली गोघाट के कमरपुकुर कॉलेज मोड़ स्थित एक दुकान में घटी। जानकारी के मुताबिक दुकान बंद हो जाने के बाद कई बदमाश दुकान की टीन काटकर अंदर घुस गए और वहां पर रखे पैसे और सामानों की लूट कर फरार हो गए। कृषि विधेयक पारित होने के तीसरे दिन भी विपक्ष का गुस्सा चरम पर है। दिल्ली सहित कोलकाता में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को विपक्षी पार्टी ने इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद बुधवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का एम्स में कोरोना वायरस से निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। उनका निधन बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली तक कुशीनगर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस साल जून में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता देने का फैसला हुआ था। आजमगढ़ में दबंगों के जुल्म से परेशान होकर एक गरीब परिवार ने एसपी से इच्छा मृत्यु मांगी है। स्थानीय पुलिस के कार्रवाई न करने से पीड़ित परिवार दूसरे गांव में गुजर बसर कर रहा है। पीड़ित दंपत्ति गले में तख्ती लटकाकर 30 किलोमीटर पैदल चलकर एसपी दफ्तर पहुंचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंगों की पिटाई से महिला का गर्भ भी गिर गया था। दबंगों के डर से ये परिवार के साथ अपना घर होते हुए भी इधर उधर छुपकर रहने को मजबूर है। संकुइया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ससुर और साली को मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि ये घटना पत्नी के ससुराल न जाने की वजह से हुई। हत्याकांड के बाद फैली सनसनी के बाद जिले के एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। इससे पहले हांगकांग भी भारत की फ्लाइट्स पर 3 अक्टूबर तक रोक लगा चुका है। यूएई सरकार के नियमों के अनुसार भारत से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 96 घंटे पहले आरटीपीसीआर परीक्षण कराना होगा। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं के नाम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफाइल बनाकर उन लड़कियों को टारगेट करता था जो मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर तलाश रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मामचंद वेब सीरीज में रोल दिलाने के नाम पर लड़कियों से उनकी न्यूड और सेमी न्यूड फोटो मंगवाता था और जब कोई लड़की उसे फोटो भेज देती थी तो तब उस लड़की के साथ शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने वादा किया था कि वो 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को कार गिफ्ट करेंगे, तो मंत्री जी ने अब अपना वादा निभाया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के टॉपरों को ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत किया। पंजाब से विधायक और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और कहा कि ये विधेयक कृषक समुदाय को बर्बाद कर देंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एवं अमेरिकी कंपनी फर्म केकेआर 1.28% इक्विटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये रिलायंस रिटेल में दूसरा बड़ा निवेश है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर करके किया। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, दीपिका के मैनेजर करिश्मा को समन भेजा है। इनसे अगले 3 दिनों में पूछताछ होगी। दीपिका और उनके मैनेजर करिश्मा प्रकाश से 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना ने अपने दम पर नाम, दौलत और शोहरत कमाई है। हाल ही में आयुष्मान को टाइम मैगजीन ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल के पूरे दिन की न्यूज लेके आएगी आपके सामने फास्ट 15। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना न भूलें।